Assalamu alaikum friends, I'm Tehseen Ahmed Awan and you are watching my YouTube channel NAC. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी अननोन पर्सन की डिटेल कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास उस शख्स का मोबाइल नंबर है तो आप उसकी सारी की सारी डिटेल कैसे हासिल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हर और हिज CNIC नंबर, या फिर आपके पास उसका CNIC नंबर है और आप फाइंड करना चाहते हैं कि उसके नाम पर कितनी सिम्स हैं और उसके कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन। फ्रेंड्स, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस करें और साथ सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें। आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई टेक्नोलॉजी से बाखबर रहें। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिजी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है stability.note.com। यहाँ पे आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, सेकंड वाला स्टेबिलिटी नोट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ट्रैकर वाला और यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है इंटर नंबर और CNIC। यहाँ पे आपने, आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पुट करें, अगर CNIC है तो CNIC नंबर पुट करेंगे आप। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो है वो विदाउट ज़ीरो पुट करना है, यानी कि 03445 होता है तो आपने ज़ीरो नहीं पुट करना, 3445568 आपने पुट करना है। 765 मैंने पुट किया एज एन एग्जाम्पल आपको बताने के लिए। तो देखें, आपके सामने इसका नंबर आ गया, इम्तियाज खान साहब छतर दुमेल से हैं। आई एम सॉरी इम्तियाज खान साहब, आपका डेटा मुझे बताना होगा। फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम इम्तियाज खान। देखें, इनका CNIC नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो चलें होगी, अब मैं आपको एक और नंबर सर्च करके बता रहा हूँ। वापस अपने प्रीवियस उसी पेज पे चले जाना है और यहाँ पे मैं नेक्स्ट नंबर डाल रहा हूँ, 3445568789। ठीक है, कोई एक रैंडम नंबर में पुट करना हुज दानर। तो फैसल साहब हैं जी, फैसल साहब हैं ये मुजफ्फराबाद GPO। CNIC नंबर इनका आ गया, तो अगर मैं इनके नाम पे बाकी सिम फाइंड करना चाहता हूँ तो ये मैं CNIC नंबर यहाँ से कॉपी करूँगा और वापस ऊपर उसी जगह पे जाके मैंने इसको पेस्ट करना है जहाँ पे मैंने पहले मोबाइल नंबर पुट किया था। ठीक है, तो इनके नाम पे जो भी सिम होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और अगर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कहाँ से डिस्प्ले होंगी। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे तरीके। आप जो भी तरीका सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल रियल एंड 100% एक्यूरेट तरीका आपको बताऊंगा, कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।